हेलो, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। हम कौन? अरे वो तो तुमको पता होगा ना कि तुम कौन बोल रहा है। अरे हम तो तिलचट्टा बोल रहे हैं, तुम कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। अरे वही तो पूछ रहे हैं, हम कौन? अरे कैसा पागल है जी तुम, अभी तो तुम अपना मुँह से बताया कि तुम तिलचट्टा बोल रहा है, तो बार बार क्या पूछ रहे हमसे? अरे वो तो हमको भी पता है कि हम तिलचट्टा है, हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम कौन बोल रहे हो। अरे बताए जो जी, हम बोल रहे हैं। अरे वही तो पूछ रहे हैं, हम कौन? अरे पगलेट कहीं का मारे चार जूता घीच के ना तो पूछना भूल जाएगा हम कौन बोल रहे हैं। अपना बाप से जाके पूछो कि हम कौन। अरे हमारा बाप तुमको कैसे जानता है? अरे पागल आदमी, तुम्हारा तुमको बातें नहीं समझ में आ रहा, तुम पूछना क्या चाह रहे हो? पहले अपना नाम बताता है फिर पूछता है हम कौन। जब नाम बता दिया तुमको मालूम नहीं होगा कि तुम कौन बोल रहा है, उसके बाद बोलता है हमारा बाप तुमको पहचानता है क्या? जब तुम्हारा बाप तुमको तुम्हारा परिचय नहीं बताया कि तुम कौन बोल रहे हो तो वो हमको कैसे पहचानेगा? अगर तुमको बताया होता तो तुम हमसे पूछते हम कौन। अरे तुम अपना बकवास बंद रखो, ये बताओ कद्दू है? हाँ है। काहे? अरे फोन दो उसको। अरे तुम पागल है क्या जी, पागल खाना में फोन करो तुम, कभी कद्दू से कोई बात करता है जो तुम करेगा? अरे हमारा कहने का मतलब है अपना बाप को फोन दो। अरे अभी तो तुम कह रहा था कि तुमको कद्दू से बात करना है, अब हमारा बाप से क्या बात करना है तुमको? अरे वही तो कह रहे हैं कद्दू से बात करना है हमको। अरे फिर बोल रहा है हमको कद्दू से बात करना है, पागल है क्या जी तुम? अरे पागल हम नहीं है तुम है, समझा? तुम्हारा बाप कौन है? रे हमसे ऐसे सवाल करेगा तुम? हां हमसे ऐसे सवाल करेगा? हम तुम्हारी तरह नहीं है, जैसे तुमको अपना नाम नहीं पता है वैसे तुम सोच रहे हो कि हमको अपना बाप नहीं पता होगा। हमको अपना बाप का नाम पता है और बाप भी पता है कौन है। हम तुमसे पूछे कि तुम अपना माई को जानते हो कि नहीं जानते हो, तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? फोन पे तुम बात कर रहे हो तो बात करो, बाप पे मत जाओ। अरे तुम फोन रखो पागल कहीं का, तुम्हारा बाप का नाम कद्दू है, उसी से बात करना था लेकिन अब हमको नहीं करना है। अरे तो पगला आदमी, तुमको पहले बोलना चाहिए था ना कि अपना बाप को फोन दो जिसका नाम कद्दू है। तुम ऐसे बोला कद्दू है तो आदमी क्या समझेगा, कद्दू तो सब्जी भी होता है, हम वही समझ रहे हैं तब से। अरे हमारा बात भी ना सुने फोन काट दिया, पागल कहीं का, बात भी नहीं सुना। अब नहीं सुना तो उसको समझ में कैसे आएगा हम उसको क्या बोलना चाह रहे थे। चलो छोड़ो, पागल को ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, ऐसे भी इस पागल के साथ ज्यादा बकबक करके हमारा टाइम ही खराब हुआ, हमको दुकान भी जाना था। ये पागल की दुकान है? नहीं मेरी दुकान है। लेकिन बाहर तो लिखा है पागल की दुकान है। अरे भाई साहब वो दुकान का नाम है लेकिन दुकान तो मेरी है ना। अच्छा अच्छा, घटिया टी शर्ट है? हाँ हाँ है। कितने की है? 300 रुपए की। अरे भाई घटिया टी शर्ट का 300 रुपए कौन देगा? जो घटिया टी शर्ट खरीदेगा वही देगा। अरे तो 300 रुपए में घटिया टी शर्ट कौन खरीदेगा? जो घटिया इंसान होगा वही खरीदेगा 300 रुपए में घटिया टी शर्ट। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, हम घटिया है? नहीं हमारा ये कहने का कोई मतलब नहीं है, ये जो घटिया टी शर्ट है ना ये हमारी टी शर्ट का ब्रांड नेम है। नाम घटिया रखे इसका मतलब नहीं कि माल भी घटिया होगा। तो ऐसा नाम ही क्यों रखे हो? देखिए भाई साहब इसके पीछे लॉजिक है, हम इसका नाम घटिया काहे रखे हैं। मान कर चलिए आप हमारी घटिया टी शर्ट ले जाते हैं और घर जाने के बाद आपका रिश्तेदार घर वाला या दोस्त आपको बोलता है ये टी शर्ट कहाँ से लाए हो, ये तो बहुत घटिया टी शर्ट है। काहे कि आज की दुनिया में कोई भी आदमी किसी का भी तारीफ नहीं करता, आप कुछ भी लेके जाइए भले वो अच्छा क्यों नहीं हो, आपका कुछ ना कुछ अपमान करेगा, उस चीज में कोई ना कोई कमी निकालेगा, तो उस टाइम पर आपको बुरा नहीं लगेगा ना? आपको अगर वो बोल भी दिया कि ये तो टी शर्ट घटिया है तो आप भी शान से बोल पाएंगे हाँ ये टी शर्ट घटिया है, काहे कि घटिया ब्रांड की टी शर्ट है, आपको बुरा नहीं लगेगा और हमारा माल भी बिकेगा। काहे कि जब भी कोई इस टी शर्ट का बुराई करेगा आदमी को लगेगा ब्रांड नेम ले रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा घटिया बोल रहा है। अरे तुम्हारा दुकान का नाम तो सही है पागल की दुकान, तुम बिल्कुल पागले हो। देखिए भाई साहब इसके पीछे भी लॉजिक था, हम दुकान का नाम जानबूझ के रखे पागल की दुकान ताकि अगर हमको कोई पागल बोले तो हमको बुरा नहीं लगे, काहे कि हम दुकान का नाम ही रखे है ना पागल की दुकान, अब पागल की दुकान पे तो पागल बैठेगा ना, समझदार आदमी को बैठेंगे तो पागल की दुकान नाम काहे रखेंगे। हां चाचा बोलिए। अरे हम तुम्हारे यहाँ से नहीं लेंगे, तुम एकदम पागल हो, हम आगे की दुकान से लेंगे टी शर्ट। हाँ ले लीजिए चाचा बिल्कुल शौक से ले लीजिए, वो तो चू की दुकान है। क्या चू की दुकान है? अरे चू नहीं समझते हैं चाचा। क्या चू? चू चू चाचा चू चू। अरे क्या चू चू? क्या चू चू? अरे चाचा चू चू। तुम पागल लगता है हमको एकदम, चू 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 चू, क्या चू चू कर रहा है? अरे चाचा हम आपको बोल रहे हैं चू की दुकान है, अब इससे ज्यादा हम क्लियर नहीं करेंगे, आप अपने समझिए, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना चाहिए आपको। अगर वहाँ से आप कपड़ा लिए तो आपका भी चू कट जाएगा, ये जब आप उसका दुकान पे जाएगा ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर पूछना हो तो आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको मेरे बारे में पता चला कि ये पागल की दुकान है और यहाँ घटिया टी शर्ट मिलती है। अरे तुम आदमी नहीं हमको पैजामा लग रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, हम ही बेवकूफ है जो तुमसे बात कर रहे हैं। तो चाचा आप भी हमको कच्चा लग रहे हैं, हम पैजामा है तो आप कच्चा क्या नारा लोग की तरह बात कर रहे हैं, साफ साफ दुकान के बाहर लिखा है ये पागल की दुकान है, तो जब आप पागल नहीं थे तो पागल की दुकान पे चढ़े का है, और मान लीजिए चढ़ भी गए तो फिर घटिया टी शर्ट मांगे का है, जब घटिया आदमी आप है ही नहीं। अरे कोई आदमी हमको बोला था घटिया टी शर्ट घटिया नहीं है, हम वही देखने आए थे,
कि घटिया टी शर्ट घटिया कैसे नहीं है और कौन बेच रहा है घटिया टी शर्ट। तो देख लिए ना चचा, कौन बेच रहा है, चेहरा याद रहेगा ना, भूलेगा नहीं ना। तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी को कौन भूलेगा, जो समझदार आदमी होगा वही भूलेगा, बेवकूफ आदमी ना नहीं भूलेगा बेवकूफ को। आप अगर समझदार होंगे तो भूल जाएंगे। अरे हमको तुमसे बात नहीं करना है। अरे तो दुकान का मालिक तो हम है, हमारे दुकान से कुछ भी लेना है तो हमसे बात करना होगा, हमसे नहीं कीजिएगा तो किससे बात कीजिएगा। अरे ना हमको तुमसे बात करना है ना तुम्हारे दुकान से कोई सामान लेना है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम भीख मंगा है। अरे बाबू देखो आज बोनी नहीं हुआ है, आगे बढ़ो बाबू, आगे जाके भीख मांगो, चूके हम भीख मांगो। अरे हम भीख मंगा नहीं है। अरे तो ये अच्छी बात है ना कि तुम भीख मंगा नहीं है, इसमें तुम पछता कह रहा है कि तुम भीख मंगा नहीं है। अरे हम कहाँ पछता रहे हैं, हम तो बता रहे हैं तुमको। हमको क्या बता रहे जी, ना तो हम तुम्हारा पिताजी है ना कोई मालिक है, तो हमको क्या बता रहे हो कि तुम भिखमंगा नहीं हो। तुम चाहे भिखमंगा रहो या नहीं रहो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुम चुप रहो, जब बोलता है मुंह से बकवासी करता है। तो तुम क्या बकवास करने के लिए कहीं और मुंह बनाए हो क्या, कहाँ है वो मुंह दिखाओ हमको, काहे कि हमको उसी के साथ बकवास करना है। जब हम बकवास कर रहे हैं तो अपना बकवास वाला मुंह दिखाना चाहिए ना तुमको, अपना बढ़िया मुंह काहे दिखा रहे हो। अरे तुम पागल है क्या जी, क्या बात कर रहा है। अरे चाचा अभी थोड़ा देर पहले आप हमको बोले कि तुम पागल हो, अब पूछ रहे हैं कि क्या तुम पागल हो। आपको अपना ही बात पे डाउट होने लग गया क्या चाचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही का दिमाग सटक गया। अरे क्या बात कर रहे हो, हम पागल नहीं है। अरे वाह 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 चाचा बताइए हो, आप पागल नहीं है, मिठाई खिलाइए चाचा, आप पागल नहीं है चाचा, मिठाई खिलाइए ना चाचा। अरे हम तुमको काहे मिठाई खिलाएंगे, काहे कि आप पागल नहीं है, प्रूफ हो गया इसीलिए खिलाइएगा। अरे ऐसे तो पूरा दुनिया में इतना लोग पागल नहीं है तो सबको क्या मिठाई खिलाता है कि हम पागल नहीं है। चाचा एक कंफ्यूजन है चाचा, ये जो बात आप बोले ये आप पूछ रहे हैं कि हमको बता रहे हैं। अरे बता रहे हैं हम तुमको, काहे बता रहे हैं, हम तो आपसे पूछे नहीं कि हमको बताइए, काहे बता रहे हैं। फ्री में एडवाइस देने का शौक लगा है क्या, हाँ फ्री में एडवाइस देना आपको, मत दीजिए अच्छा नहीं लगता, इसे आदमी पागल ही समझेगा। फ्री में कभी एडवाइस नहीं देना चाहिए जब तक कोई पूछे नहीं, जितना पूछे उतना जवाब दीजिए ना, फालतू का बात कह कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, कितना काम है हमारे पास, आपके पास काम नहीं है तो इसका मतलब क्या, दूसरे का समय खराब करना, हाँ पागल है क्या आप। अरे अरे कैसा पागल है जी तुम, बकबक करते जा रहा है करते जा रहा है, तुम्हारा मुंह में दर्द नहीं होता है। अरे चाचा मुंह में तो दर्द नहीं होता है चाचा, कितना बुलवाई हम बोल लेंगे, लेकिन आज बोरे से हमको पिछवाड़ा में दर्द हो रहा है तभी खड़ा हो गए हैं, थोड़ा मलम पड़ा लगा दीजिएगा, हो जाते कि कोई आदमी आए लगा दे मलम हमको, कि पूरा पूरा दिन बैठे रहते चाचा, हमें कोई नहीं आता, देखता है कि पागल का दुकान है इसके कौन जाएगा, पागल बैठा होगा। आप एक अच्छा पागल थे देखने के बाद भी आ गए, और आपका ऐसा पहला कार्टून है जो हमसे हमारे दर्द के बारे में पूछे, कहे कि एक पागल का दर्द दूसरा पागल ही समझ सकता है चाचा। रे पागल का बच्चा तुम हमारा तब से अपमान पे अपमान किए जा रहा है, हम गलती किए जो तुम्हारे दुकान पे चढ़ गए, पता नहीं कौन सा कुत्ता हमको काटा जो हम तुम्हारा दुकान पे चढ़ गए। अरे चाचा आपको कुत्ता काटा, कुत्ता पागल लोग को ज्यादा काटता है, इसका मतलब प्रूफ हो गया पागल है, और चलिए अगर गलती कर दी है तो माफी मांग लीजिए, इससे आप छोटा नहीं हो जाइएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम। अरे बकवास तो आप कर रहे हैं, काहे कि कोई भी आदमी को अगर कुत्ता काटता है तो वो डॉक्टर के यहाँ जाता है, किसी पागल की दुकान पे थोड़ी ना जाता है बात करने के लिए। अरे तुम हमको बिल्कुल पागल लग रहे हो, हमको तुमसे बात नहीं करना है, हम जा रहे हैं। अरे जब जाना ही था तो आए क्यों, और जब आ गए हैं तो जा क्यों रहे हैं, हमारे साथ बैठिए, दो बात कीजिए, दो बात सुनाइए, तो आपका भी समय कटेगा हमारा भी कटेगा, काहे कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हम फालतू बैठे हैं, वो आपको थोड़ा देर पहले ऐसे बोले थे कि हमारे पास बहुत काम है, काहे कि हमको ज्यादा बोलने का आदत है चाचा। अरे लेकिन हमको ज्यादा सुनने का आदत नहीं है, हम जा रहे हैं, हम वहाँ से कपड़ा खरीदेंगे बगल से, तुमने यहाँ से नहीं। आज तो चचा का चू कट जाएगा,